मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री और सोमेश्वर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्य और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र बाराकोटी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरक्षित सीट सोमेश्वर से बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्य ने कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी पर जनता की संवेदना के लिए मारपीट की झूठी साजिश रचने का आरोप लगाया है और अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि उनको सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी मतदान से ठीक पहले जनता की संवेदना पाने के लिए चोटिल होने का नाटक करेंगे। तो वहीं रेखा आर्य के इस आरोप पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी ने भी पलटवार किया है। बाराकोटी ने बयान जारी कर कहा कि 2017 में हुए प्रकरण में किसके साथ मारपीट हुई थी यह न्यायालय सिद्ध कर चुका है। उन्होंने इसे सिगुफा बताते हुए कहा कि रेखा आर्य को अपनी हार का डर सताने लगा है। अल्मोड़ा से सोनू सजवाली की रिपोर्ट। चूंकि हमारे पास विश्वास सूत्रों से ये समाचार आए थे कि आने वाले समय में यानी कि आज से लेकर 12 या 13 तारीख के मध्य में ऐसा कोई घटना घटित होने वाली है जहां पर वो स्वयं को चोटिल करने वाले हैं, अपने सिर में या पैर में पट्टी बांधने वाले हैं और यह दिखाने वाले हैं कि यह हमला जो है रेखा या उसके परिवार अथवा उसके समर्थकों ने करने का काम किया है, तो फिर से एक संवेदना इकट्ठा अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। तो यही बात मैं जनता के मध्य में रखना चाह रही हूँ कि ना तो पहले घटनाक्रम में हमारा कोई लेना देना था, ना आज के जो ये प्लानिंग कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना होगा। चूंकि हमने जनता के मध्य में हमेशा से काम किया, जनता के दुख में हम रहे हैं, कोरोना कालखंड में हम रहे, हमारी सरकार ने बेहतर काम किया, खुद मंत्री रहते हुए मैंने विधानसभा सोमेश्वर में बेटी की भूमिका अदा करी है, तो मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति षड्यंत्र पर भरोसा रखता है, तो इसलिए जनता के मध्य में विषय आना जरूरी है कि आप लोग सजग रहिए, अलर्ट रहिए। आपकी बेटी का उत्तराखंडियत का ही उसका स्वभाव है और वो उसी नेचर के साथ में चलती और आगे बढ़ती है, उसी में मुझे आशीर्वाद चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में, इस षड्यंत्र के परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है उत्तराखंड के महानिदेशक हो गए, पुलिस महानिदेशक हो गए और अपने जनपद अल्मोड़ा के SSP हो गए और अपने भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है और कंप्लेंट दे दी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से मुझे न्याय भी मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि सोमेश्वर विधानसभा में अराजक तत्व जो है वो पुलिस की समीक्षा या उनकी विवेचना में जो है वह भी धरे जाएंगे और इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। और बाकी जनता मेरे साथ न्याय करे, जो कहेंगे वो कर दूंगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिस प्रकार का ये धोखाघड़ी करके वो चाह रही है कि मैं चुनाव जीतूंगी, मुझे विश्वास है जनता मेरे साथ खड़ी है। जनता भली भांति हमको जानती है कि राजेंद्र बाराकोटी का आचरण कैसे है, राजेंद्र बाराकोटी का परिवार का आचरण कैसे है, इसको सारी जनता विशेष रूप से हमारे सोमेश्वर विधानसभा की जनता के अलावा पूरा जनपद के लोग मुझे जानते हैं कि राजेंद्र बाराकोटी का परिवार और मेरा जो पारिवारिक संबंध विशेष रूप से इन क्षेत्रों में है, सब लोग मुझे भली भांति जानते हैं। और माननीय मंत्री जी जिस तरीके का प्रपंच लगा रहे हैं, मुझे आज भी शक है किस प्रकार से वो मुझे फिर पिछले साल की तरह मेरे साथ कुछ ऐसा करवा सकते हैं, मुझे ऐसा शक है।